गौरी गोपाल आश्रम में आज मैं आपका परिचय भी कराऊं एक मां से। एक मां जो गौरी गोपाल आश्रम में अभी 4 दिन पहले आई है, और ये मां जानते हो यहां क्यों आई है? एक बेटा है, पर वो बेटा कैसा है, क्यों नहीं सेवा करता, ये एक मां से जानने की कोशिश करेंगे। देखो यहां किस तरह से माताएं परेशान और प्रताड़ित होकर के आती हैं, किस तरह से अपने दुत्कारते हैं, ठुकराते हैं। देखो जरा, मैया कहां से आई हो मेरी माँ? सागर जिला से। सागर, मध्य प्रदेश? हाँ, बरोदिया से। तो आपके घर में कौन कौन है मेरी माँ? हमारे घर में कोई नहीं है, एक लड़का भी है, एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की की शादी हो गई, लड़का की शादी हो गई। तो लड़का कहाँ है आपका बेटा? लड़का दूसरे गांव में रहता है, हम दूसरे गांव में रहते हैं। तो बेटा आपकी सेवा नहीं करने को तैयार? नहीं, 12 साल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। पंडित जी ने भी हमें बुलाउती है, हम गए हैं एक बार, पैसा ले गए थे, खर्च को परेशान हो रहे थे, सो कुल्हाड़ी लेके मार में पड़े थे। बेटा कुल्हाड़ी लेके मारने दौड़ा जी, पंडित जी। आप खर्चे के पैसे लेने गए थे बेटे से जी, कुछ खाना पीना के लिए दो जी? पंडित जी कुछ नहीं है, 12 साल से हमारे पास में कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। नहीं। तो बेटा कुल्हाड़ी लेके दौड़ा जी महाराज जी। देखो 12 साल तक माने जैसे तैसे अपना गुजारा किया। जब बच्चों को पैसा चाहिए था स्कूल की फीस, तो माने भरी, बाप ने भरा। और आज माँ यदि रोटी मांगती है ना कि बेटा हमारा पेट भरो, हमारी सेवा करो, तो बेटा कुल्हाड़ी लेके दौड़ता। तो पत्नी ने रोका नहीं उसकी? पत्नी ने मतलब आपकी बहू ने? नहीं महाराज जी, नहीं रोका। और फिर आप कहाँ थे? बेटा ने जब मारना चाहा कुल्हाड़ी से, तो फिर आप कहाँ गए? फिर हम भाग गए थोड़ी दूर बह गांव से, फिर हम भाग गए पैदल अपने दूसरे गांव में जहाँ पे रहते थे। तो फिर आपका खाना पीना गुजारा कैसे होता था? कछु पैसा है तो हम बैंक में है, तो कछु वो निकारत रहे, कछु मतलब इसे कहा कहते हम तुमसे कर्जा लाओ। फिर अब थोड़ी सी जमीन है सो बेच के पंडित जी हमने कर्जा चुका दो सबको, जितना तो थोड़ा बहुत होगा तो सो। और ये कौन है आपकी? लड़की है। ये आपकी बेटी है जी। तो बेटी आपकी सेवा नहीं करना चाहती क्या? बेटी से पूछो। बेटा आओ, अब मत रो मेरी माँ, आपका बेटा है। क्या नाम है आपका? श्रद्धा दुबे। श्रद्धा, तो आपकी ये माँ है, तो आप बेटी हो। यदि बेटा सेवा नहीं करता तो क्या बेटियों को सेवा नहीं करना चाहिए अपनी माँ की? करना चाहिए, लेकिन गुरुजी हम मजबूर है, हमारे घर के आदमी नहीं करने देते, नहीं रखना चाहते वो। आपके पति रखना नहीं चाहते? हाँ। आपका ससुराल पक्ष नहीं रखना चाहते? नहीं। देखो ये समस्याएं हैं कि चलो बेटी तो सेवा करना चाहती है, लेकिन बेटी के ससुराल पक्ष वाले सेवा करना नहीं चाहते। अब देखो खुद की औलाद, खुद के रिश्तेदार अपने जब सेवा ना कर पाए, तब ये दास अनिरुद्ध, मैं तो इनका खून का भी मेरा इस माँ से कोई संबंध नहीं है, मेरा तो केवल एक इंसानियत का रिश्ता है। कि यदि अपने सेवा नहीं कर रहे हैं, तो देखिए ये भारत की प्रत्येक माता का विश्वास है कि मेरा बेटा सेवा नहीं करेगा, मेरी बेटी सेवा नहीं करेगी, तो अनिरुद्धाचार बैठा है सेवा करेगा। ये मां अपनों के होते हुए आज यहां आई, और यहां मां को अब रखा जाएगा, और मां की सेवा यहां सभी माओं की तरह सेवा होगी। मैया आप यहाँ कब आई मेरी माँ? महाराज जी हमें यहाँ 3 दिन हो गए हैं, जहाँ कहीं लड़की को बुलाओ, जब लड़की आ जाए तो तुम्हारे राखे कार्यकर्ताओं ने बताया। तो आप मैया यहाँ आई, आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं पंडित जी, हमसे कुछ नहीं लिया गया। यहाँ पे आप यहाँ की व्यवस्थाएं देख के खुश हैं? अच्छा है, खुश है महाराज जी, हम बहुत खुश हैं। यहाँ आप अच्छे से रहेंगे? जी जी महाराज जी। अब आप चिंता ना करिए, अब आप आ गई हैं, आज से आप मेरी माँ हैं, और आज से आपका एक बेटा नहीं, आज से आपके 2 बेटे हैं, और हम सभी आपके बेटा हैं, हम सभी आपकी बेटियां हैं, हम सभी आपसे मेरी प्रार्थना है सिर्फ इतनी